करते हैं। वैसे मैं भी प्रोफेसर अमल रहा हूँ। एक दफा मेरे पास दो मियाँ बीवी आ गए, मियाँ ने मुझे हाथ दिखाया, मैंने उसका हाथ देख के कहा भी तुम्हारे दो बच्चे हैं, उसने मुझे मारना शुरू कर दिया बीवी जी, हालांकि उसके चार बच्चे थे। मामा पापा को कोई मौजूद होना चाहिए जिसने कुछ इजाद किया हो। हम ये कह देते हैं कि पापा ने झूठ पकड़ने वाली मशीन इजाद की है, ये ठीक है। हाँ पर बीबी जी ये कोई नई इजाद नहीं है, मेरी 10 वर्ष पहले उससे शादी हो चुकी है। हम ये कह देते हैं कि आजम भाई ने टाइटैनिक में काम किया। नुसरत टाइटैनिक तो डूब गया था ना, लोग पूछेंगे कि फिर आजम कैसे बच गए। अल्लाह कौकब का शोहर तो इतना मशहूर पेंटर है, आजम को उससे ज्यादा मशहूर होना चाहिए बस। मौला खुश रखे बीबी जी, पेंट का मसला है, फिर मुझे पहले बताना था, पेंट का मसला जो होता है ना वो बड़ा पेचीदा होता है। देखे अगर आप किसी बंदे को कहना कि कायनात में 200 सूरज हैं तो वो फौरन मान लेगा, अगर आप किसी को कहना कि बेंच गीला है पेंट है इसके ऊपर तो कोई भी नहीं मानेगा जब तक उसको हाथ लगा के नहीं देख लेगा। सुंदर क्यों ना हम आजम भाई को बहुत बड़ा राइटर बना दे, राइटर का बहुत रोब होता है ना। बीबी जी मौला खुश रखे कैसी बातें कर रही है, अगर रोब की जरूरत है ना आपको तो आप फिर ऐसा करें आप राइटर की बजाय रीडर बनाए किसी डीसी का। खुशिया वो राइटर जो अपने लिखने की वजह से मशहूर हुआ हो। मन्ने ट्रकों वाले की तरह बीबी जी, उससे बेहतर मैंने कोई लिखते हुए नहीं देखा, वो ट्रकों पर भी लिखता है, सिनेमाओं के बोर्डों पर भी लिखता है, उससे बेहतर वैसे वाकई ईमानदारी वाली बात है कि मैंने नहीं देखा, अगर देखा भी होगा तो फिर गौर से नहीं देखा होगा। देखो बड़े राइटर वो होते हैं जिनके लिखे की किसी को भी समझ ना आए। बीबी जी मेरे लिखे की किसी को समझ नहीं आती, बाज़ औक़ात तो जो मैंने लिखा होता ना मुझसे भी नहीं पढ़ा जाता। मामा मैंने ना एक कॉलेज में एक दफा मुशायरे में हिस्सा लिया था और मैं बहुत मशहूर हो गया था, सबसे आखिर में जो गया था तब तक लड़कों के पास अंडे और टमाटर खत्म हो गए थे। इसीलिए अच्छे शायर आखिर में कलाम सुनाते हैं। मेरी क्लास के लड़के ना मुझसे बहुत जेलस हैं क्योंकि मैं क्लास में पॉपुलर जो बहुत हूँ। क्यों ना हम आजम भाई को शायर बना दे हैं? पर मामा शायर बनने के लिए तो तखल्लुस चाहिए। है? तखल्लुस? मामा शायर अपने नाम की बजाय किसी और नाम से शायरी करते हैं। आजम ने अगर अपने नाम से शायरी ना की, किसी और नाम से शायरी की तो मशहूर तो कोई और हो जाएगा ना। ये सुंदर उसका तो बहुत फायदा है, आजम भाई को पता भी नहीं चलेगा और वो मशहूर भी हो जाएंगे। बीबी जी मैं उन्हें बैनुल अक़वामी शायर बना दूंगा, मेरे एक दोस्त के पास ठेका है बाहर के मुल्क शायर सप्लाई करने का, बस आप ऐसा करें कि उनका कोई अच्छा सा तखल्लुस सोच ले, मैं उनका जाके भी इंतजाम कर देता हूँ। मेरे ख्याल में उनका तखल्लुस जख्मी होना चाहिए। खुशिया तुम मेरे भाई को जख्मी करना चाहते हो? वैसे शायरों के इतने अजीब और गरीब तखल्लुस क्यों होते हैं? दुखी, तन्हा, परदेसी, अपाहज, जख्मी, क्या सब शादीशुदा लोग ही शायरी करते हैं? नाम ऐसा होना चाहिए जो फौरन मशहूर हो जाए। बीबी जी मैं आज ही वैगन पर स्पीकर लगवा के ना गली गली जाकर ऐलान करवा देता हूँ कि आजम जख्मी हो गए, आजम जख्मी हो गए। इस तरह तो लोग आयादत करने आने लगेंगे। बीबी जी पोस्टर लगवा देते हैं, सिद्धे पहलवान के माजून बनाई है, उसकी मशहूरी के साथ साथ इनकी मशहूरी भी हो जाएगी। वैसे बीबी जी आपको मुबारक हो, आपके मियाँ टॉप 10 के शहरों में आ गए हैं। हाँ बीबी जी अगर वो सोते हुए खराटे नहीं लेते ना आप कहें तो 2-3 तकरीबात में उनकी सदारत करवा दूं। कौकब को तो बताऊं कि मेरे शौहर एक मशहूर शायर है। हेलो कौकब। हाँ सुंबल बोल रही हूँ। नहीं उस दिन हम बात कर रहे थे ना तो लाइन कट गई। लाइन नहीं कटी थी, तुमने फोन बंद कर दिया था। अच्छा खैर नहीं तो मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आजम जख्मी है। नहीं एक्सीडेंट में जख्मी नहीं हुए, आजम एक अजीम शायर है। क्या मतलब? कह रही है कि तुम्हारे खामन का नाम तो आजम था, अब अजीम कैसे हो गया? देखो कौकब मेरा मतलब यह है कि मेरे जो शोहर है ना आजम, वो एक अजीम शायर है और जख्मी उनका तखल्लुस है। हाँ हाँ वो उस दिन तुमने बताया था ना कि तुम्हारे शोहर एक अजीम पेंटर है, तो मैं तुम्हें ये बताना भूल गई कि मेरे शोहर एक अजीम शायर है, बड़े बड़े मुशायरों में पढ़ते हैं। हाँ दीवान, पता नहीं ठहरो किसी दीवान का पूछ रही है। मामा वो दीवान खाने का पूछ रही होंगी, आप कह दें कि हमारे घर में नहीं है। नहीं कौकब दीवान खानों का तो अब फैशन ही नहीं रहा ना, हमारे यहाँ कहाँ है दीवान खाना। शायरी वाला दीवान? मामा वो दीवान यानी शायरी की किताब का पूछ रही होंगी, जैसे दीवाने गालिब हैं। दीवाने गालिब? गालिब दीवाने थे क्या? मामा आप उनसे कह दें कि हमारे पापा का दीवान का नाम है दीवाने आजम। हाँ पापा के दीवान का नाम है दीवाने आजम, मेरे पापा का नहीं हुमा के दीवाने आजम। देखो कौकब आजम दीवाने नहीं है। हाँ 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 तुम्हें दूंगी उनका दीवान गिफ्ट, क्यों नहीं दूंगी। बिल्कुल
एक मिनट, पूछ रही है कि तुम्हारे पापा बिके? मामा आप उनसे ही कह दे कि उनकी शायरी बहुत बिकती है। नहीं नहीं, उसे पता चलेगा कि हम शायरी बेचते हैं तो वो क्या समझेगी। हेलो, नहीं नहीं, वैसे तो उनपे बड़ी बड़ी ऑफर्स लगती हैं, लेकिन नहीं ऐसे नहीं करते हम। हाँ, एक मिनट, पूछ रही कि उनका दीवान बिका? मेरे दोस्त के वालिद का दीवान छपा, मैंने पूछा बिका तो बोला हाँ मेरे पापा का मोटरसाइकिल बिका। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें तो मैं गिफ्ट कर दूंगी ना दीवान। हाँ बिल्कुल, तुम भी अपने शोहर की पेंटिंग हमें गिफ्ट करोगी ना। ठीक है, अच्छा तो बताओ कब आ रही हो? अगले हफ्ते? हाँ ठीक है। नहीं, हमारे घर पहुंचना क्या मुश्किल है, तुम ऐसे करना ना कि हमारे मोहल्ले में आके कहना कि इस मोहल्ले के सबसे मशहूर आदमी के घर में हमें ले जाओ, तो जब तुम्हें उसके घर ले जाएंगे तो उसके बराबर में ही हमारा घर है। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें दीवान गिफ्ट करूंगी, जरूर करूंगी कौकब, आजम से साइन करवा के, और क्या। हाँ ठीक है फिर, ओके बाय। चल गई वो मेरे शौहर की शोहरत का सुन के। Wasim Akram's batting was particularly important. I mean, he took them from a score that was going to be difficult to defend to one that the opposition were really going to be extended. That's a magnificent shot. Oh. That could go all the way. It's a perfectly placed by Wasim Akram. मोहल्ले के बच्चों ने फिर शीशा तोड़ दिया। मामा 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 मामा, क्या हुआ? वो आपकी सहेली है ना कोकब, वो अपने मियाँ के साथ आ रही है। ओ खुदाया, तो खुशियां तो अभी तक दीवान लेकर आया नहीं, खुशी को फोन करो, अभी तक आया क्यों नहीं? मामा आप ही ने तो कहा था कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की शायरी वाला लाना। आप क्या करें, ये कौकब है और उनके शोहर है। कौकब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, माफ करना, हम लोग बगैर बताया गए। भाई बगैर बताए किसी के घर आने का ये फायदा है कि घर वाला घर पे ही मिलता है। कौकब तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। हमेशा खावंद ही बदलते हैं, बीवियाँ कहाँ बदलती हैं। हाँ शंकर, ये खावंद है मेरे बहुत बड़े पेंटर। मुझे पेंटर देखने का बड़ा शौक है। आप लोग बैठिए ना प्लीज। अच्छा तो ये करते क्या है? पेंटर हैं? नहीं पेंटर तो ये हैं, पर ये करते क्या है? जी पेंटिंग के बाद आराम करता हूँ। भाई काम की क्या जरूरत है, जब से बीमार हुए तो डॉक्टर ने किसी भी जहनी काम से मना कर दिया, तब से पेंटिंग्स कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है हिलरी क्लिंटन ने इनकी तस्वीर अपने किचन में लगा रखी है? जी मेरी बनाई हुई, मेरी नहीं। हाँ तस्वीर वहीं लगाना चाहिए जहाँ बंदे ने कम से कम जाना हो। जी ये मेरा बेटा है बॉबी। आप पेंटर कैसे बने? वो दरअसल हमने जो नया घर लिया है वो ऊपर वाली मंजिल पर है, वहाँ बाथरूम में पानी नहीं आता था, सो मैं पेंटर बन गया। मुझसे शादी के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो पेंटिंग शुरू कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। जब मैंने इनको मेकअप करते देखा ना तो मैं पेंटर बन गया। हाँ तुम्हें मालूम है इनकी पेंटिंग्स पे ना बड़ी बड़ी शर्तें लगती हैं। ये क्रिकेट मैच की तस्वीरें बनाते हैं? एक तस्वीर पर तो बहुत शर्तें लगी, कोई कह रहा था कि ये डूबते सूरज की तस्वीर।